जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर उधर से ठाकरे जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर भारत से ठाकरे जिंदाबाद। मोदी सरकार, 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 एलजी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, शिवसेना कश्मीर उद्धव साहब ठाकरे, शिवसेना कश्मीर बाला साहब ठाकरे, शिवसेना पूरी करो कश्मीर बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर उद्धव साहब ठाकरे जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर उद्धव साहब ठाकरे जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, एलजी सरकार, शिवसेना कश्मीर उद्धव साहब ठाकरे जिंदाबाद। शिवसेना कश्मीर वाला साहब, क्योंकि मीडिया इस बात की गवाह है कि हमने कई बार प्रेस कॉलोनी में आकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कई बार यहां पर पूरा हमने जायज दर्ज कराया, लेकिन अफसोस की बात है कि यहां की जो गवर्नमेंट इंतजामिया है उनकी तरफ से हमें हमेशा मायूसी हाथ लगी है। यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामिया हमें अपने उंगलियों के इशारों पर नचा रही है और हमारे मसलों को संजीदगी से नहीं ले रही है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ये सब किस लिए कर रहे हैं और किसके इशारों पर कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए उनके आका ये नहीं चाहते हैं कि शिवसेना कश्मीर के आसमान पर अपनी उड़ान भर सके और इस यहाँ की सरजमीन पर अपना परचम लहरा सके, लेकिन हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि उनको हमारे साथ किए गए हर सलूक का हिसाब देना होगा और यहाँ की बासलाहियत और बाशूर आवाम के सामने इस बात का इंकशाफ करना होगा कि वो ऐसा किस लिए कर रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी मांगों की बात है तो हमारी मांग चाहे वो गवर्नर साहब से मुलाकात की बात हो, चाहे गवर्नर साहब को मुलाकात के लिए हमने जो खत लिखे थे उसकी बात हो, हमारे सूबाई सदर जनाब अब्दुल खालिक भट्ट साहब के लिए सिक्योरिटी के चाकर चौबंद दस्ते की मांग हो, हमारे सिक्योरिटी की मांग हो, हमारे अहदेदारों के लिए अकोमोडेशन की मांग हो, हमारे सूबाई सदर के लिए गाड़ी की मांग हो और हमारे लिए दफ्तर की मांग हो, लेकिन हमारी कोई भी मांग पूरा करने में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वो नहीं चाहती है कि शिवसेना अपने कश्मीर में अपने पांव जमा सके, क्योंकि वो अपने आकाओं के आगे बेबस और लाचार है। इसके बारे में हमने कई बार यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उनको भी मुतला किया, लेकिन वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। लिहाजा हम महाराष्ट्र के वजीर आला और अपने कौमी रहनुमा जनाब उद्धव साहब ठाकरे जी से पुरजोर अपील करते हैं कि वो हमारी तरफ भी अपनी तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि हमारे साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ यहाँ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ यहाँ ज्यादतियाँ हो रही है, हमारी आवाज़ को दफनाया जाता है, हमारे जज्बातों को गला घोटा जाता है, हमें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, हमें कमरों में बंद करके रखा गया है। और हमें उम्मीद है कि बाला हमारे उदय साहब ठाकरे इस बात की संजीदगी से नोट्स लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।